हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टी। मैं हूँ रत्ना राजपूत और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आज क्योंकि सीजीएल का मेरा एग्ज़ाम था तो मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा। मैं अभी बस आई हूँ, ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आपको हेल्प मिले, क्योंकि आगे जिनके भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैंने जो मिस्टेक्स की हैं या मैं जहाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक मैं कर पाई हूँ वो आप ना करें, इसीलिए आपको ये वीडियो देखनी होगी। और मैं बाद में बताऊंगी भी कि आपको आगे के लिए किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं। ओवरऑल हम रिव्यू देखने वाले हैं, मैथ के मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगी आपको डेटा से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो उनको भी हेल्प मिले, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करो अगर मैं मेरे एग्ज़ाम की, तो आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था और मैंने ओवरऑल 80 अटैम्प्ट किए हैं और वैसे जो लेवल था काफ़ी अच्छा था। जीके तो बहुत ही अच्छी आई हुई थी, मतलब हार्ड कह सकते हैं। और अब मैथ्स में देख लीजिए, पहले ओवरऑल सबका रिव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि मैथ्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको करना क्या है आगे अगर आपका एग्ज़ाम है नेक्स्ट शिफ्ट में। तो देखिए मैथ्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रिगो के दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो फॉर्मूला बेसिक पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर, और एक एल्जैब्रा और ट्रिगो का मिक्सअप। दूसरा टीएसडी यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन, एल्जैब्रा से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन हैं, वर्क एंड टाइम से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 जो है वो ईजी वाले हैं, वर्क एंड टाइम अगर आपका अच्छा है तो आप 3 × 2 यानी 6 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। एवरेज का एक ही क्वेश्चन आया है फर्स्ट शिफ्ट में, हो सकता है इसका वेटेज ऊपर नीचे हो जाए नेक्स्ट शिफ्ट में, लेकिन जो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आ रहे हैं वहाँ के आप फॉर्मूला रिवीजन कर लीजिएगा। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोड वाला, एक तो कोड वाला भी आया था सीकेंट वाला जो होता है, और सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आए हैं, मेंसुरेशन से 2, एक 3D से क्वेश्चन था और एक 2D से क्वेश्चन था। जो 3D वाला था वो बहुत ईजी था, मैं भी बताऊँगी भी आपको, इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। देखिए डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस तो आते ही जरूर है, और डेटा इंटरप्रिटेशन से 2 क्वेश्चन थे, और एक DI ऐसी थी कि जिसमें हो सकता है कि आप वो टाइम टेकिंग थी, तो जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि टाइम टेकिंग है तो आपको स्किप करते चले जाना, फिर आगे अगर टाइम मिलता है तो उसके करिए, नहीं तो देखिए हम क्या करते हैं वहाँ पे हम अटक जाते हैं उस क्वेश्चन में, हमसे क्यों नहीं हो रहा, हमने तो ये किया था डेटा इंटरप्रिटेशन के, मैंने 200 क्वेश्चन किए क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसे आपको जिद नहीं पकड़नी है वहाँ पे, आपको देखना है कि आप अगर DI का पे स्टक हो रहे हैं और उसमें आपको 2 मिनट लग रहे हैं, जबकि और क्वेश्चन आप 2 मिनट में अगर 2 क्वेश्चन भी करें तो 4 नंबर आएंगे और इसमें हो भी सकता है आंसर आए कि नहीं आए। तो इसीलिए आप ऐसे जिद वहाँ पे गए नहीं, अपनी बहुत ही बैलेंस माइंड से चलना है कि हाँ अगर नहीं आ रहा है तो चलिए स्किप कर देते हैं, आगे अगर आता है टाइम बचता है तो हम इसको दोबारा कर लेंगे। तो देखिए DI से मैंने बताया 2 क्वेश्चन थे, इनकम और एक्सपेंडिचर, जो आय में वृद्धि होती है बचत में होती है, बताइए व्यय में कितनी हुई, तो इस तरीके का 1 क्वेश्चन था और ये मैंने आपको बता दिया कि साधारण जो सिंपल इंटरेस्ट था उससे 1 क्वेश्चन था। तो ये तो था मैथ का रिव्यू, इनके क्वेश्चन होगा मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले देख लेते हैं इंग्लिश। 3 से 4 PQRS पूछे जा रहे हैं, 2 इजी हैं, 2 में थोड़ा सा ट्रिकी है, जैसे अगर हमें ऑप्शन एलिमिनेशन से करना है, जैसे एक ऑप्शन में मैं बताती हूँ आपको कैसे था, ये यहाँ पे हम ABCDE तो ये अलग अलग करके उसमें दे रखे थे ऑप्शन। अब यहाँ देखिए एक ऑप्शन में क्या था कि B के बाद D था और हमें यही देखना था, ठीक है, जिसमें आपका जहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है एक बार आप उसको ऑप्शन एलिमिनेशन से चेकआउट कर लीजिएगा। जितनी जल्दी ये ऐसे नहीं हो रहा था, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत जल्दी हो रहा था। PQRS लॉन्ग नहीं है, आप मतलब कर जाएंगे अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, बस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट देखिए 2 तो ईजी थे, वो आप कर सकते थे। दूसरा 5 क्वेश्चन जो है क्लोज टेस्ट, ये बहुत ही ईजी था, 4 लाइन का ओनली क्रॉस टेस्ट था जिसमें 5 क्वेश्चन आपको करने थे, और मेरे उसमें जो क्रॉस टेस्ट आया था वो आया था पोस्टर बेस्ड, यानी कि पोस्टर का हम यूज़ कहाँ करते हैं, एडवर्टाइज करने के लिए करते हैं, तो इस तरीके से ये था इसका। और 2 से 3 सिनोनिम थे और 2 वॉइस के, वॉइस के क्वेश्चन आप बाई हुम वाले देख के जाइएगा जो हम हु से बनाते हैं, जैसे कि जो हु से शुरू होते हैं इंटरोगेटिव वाले, क्योंकि अक्सर क्या होता है बाई हुम के बाद हम सब्जेक्ट लगा देते हैं बट वो गलत होता है, वो बाई होम के बाद हमें पहले वर्ब लगानी, इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है, यानी आपको वॉइस देख लेना है एक बार इंटरोगेटिव की, एक भी वॉइस सिंपल नहीं थी, इंटरोगेटिव वाली थी। एंटोनिम से है 3 क्वेश्चन आए हुए थे, एक तो सेंटेंस में था, सेंटेंस में वर्ड में एक वो दिया हुआ था हमें वर्ड कि सेंटेंस में से बताओ कौन सा वर्ड इसका एंटोनिम होगा,
जैसे कि हम अनश्योर होते हैं किसी के बारे में, तो क्या था एंटोनिम बता देती हूँ, अनश्योर मतलब हम श्योर नहीं होते। और इसका जो एंटोनिम था वो उसमें ऑप्शन में था कि सर्टेन इसका आंसर था, ठीक है, वो आप सेंटेंस से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो एंटोनिम आप देख लेंगे, ईडियम जो है बहुत ही ज्यादा है, एक तो था वो वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद होना वेरी रेयरली, एक और था दैट मुझे एक्चुअली याद नहीं है, और एक था OWS। OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो था जो हम पूजा करने वाले जो लोग होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा OWS, प्रीवियस ईयर ही आ रही है वो कैब, ज़्यादा इंग्लिश जो है टफ नहीं आ रही है। और एरर से जो है 1 से 2 क्वेश्चन था और इम्प्रूवमेंट था। तो ये रहा इंग्लिश का रिव्यू, मैथ का हमने देख लिया। रीजनिंग ऐसी थी कि आप मतलब 23 से 24 क्वेश्चन कर सकते थे। रीजनिंग में आप ये ध्यान रखना कि आपको किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, जैसे कि फिगर वाले क्वेश्चन है, हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन रॉन्ग भी हो और आप उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं हमारा, अगर हम इन्हें सुधार लें तो हमारे 2 से 4 मिनट बच जाते हैं जो हम किसी और उसमें दे सकते हैं। तो जो रीजनिंग थी वो ठीक थी, लॉजिक भी लग रहे थे इजली तरीके से, थोड़ा बहुत ट्रिकी होता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन थे जैसे कि हमारे 6 136 से रिलेटेड, ऐसी 2 और दे रखे हैं तो उन्हें बताओ। फिगर बस आपको ध्यान रखना है कि अगर फिगर का क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज़ उसको स्किप करने की कोशिश कीजिएगा, आगे अगर आपको टाइम मिलता है तो करना उसको। जैसे हिडन फिगर होते हैं कि इसमें कौन सी हिडन है, नहीं। अब हम देख लेते हैं जीके, ओनली जीके बची है। जीके का देखिए, जीके जो है वो मॉडरेट ही आ रही है, ईजी कुछ नहीं है। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो हम कर सकते थे, 6 से 7 थे ओनली ऐसे, बाकी मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आपने अच्छे से टॉपिक को पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि पॉलिटी से देखिए, मौलिक अधिकार के क्वेश्चन पॉलिटी से बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें पूछा गया था भाग से रिलेटेड। अब आप क्या कीजिए, जो पॉलिटी में भाग दिए होते हैं कि कौन सा भाग किससे संबंधित है, जैसे कि 4th DPS से संबंधित है और जो 3rd है तो वो किससे, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। तो आपको इसमें पूछा गया था कि कौन सा है जो भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, उसमें ऑप्शन भी दूर दूर थे, तो आप 3rd इसका आंसर होगा। पद्म पुरस्कार देखिए, जो पद्म पुरस्कार मिले हैं अभी अब 2022 में जो मिले थे, तो आप उसमें ये देखिए कि जिन जिन को भी पद्म पुरस्कार मिले हैं, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो पद्मश्री वाले होते हैं, और उनके ये पूछा जाता है कि जो पद्मश्री वाले उनका एक नाम दिया जाएगा, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, बस आपको उनके संबंधित क्षेत्र याद कर लेना है, तो एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है त्यौहार, त्यौहार से भी एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है। वाद्य यंत्र वादक, अभी हम क्या करते थे, वाद्य यंत्र वादक जो पूछे जाने लगे तो हम पहले उन्हें याद कर लेते थे, फिर अगली बार SSC ने थोड़ा चेंज कर दिया, उनके अवार्ड पूछना शुरू कर दिया। अगली बार क्या पूछा गया, एक मतलब वाद्य यंत्र वादक के पूरे नाम दिए हुए थे ऑप्शन में, और ये बताया गया था, एक नाम दिया कि ये बताइए किसका दूसरा नाम है। तो आप देख लीजिएगा, जिनके 1 से 2 नाम है तो आप उनको याद कर लेना, वैसे सिंपल क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री से देखिए, हिस्ट्री से ठीक क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री से। एक तो आ रहा है हमारा एंशियंट से, तो अभी तक नहीं था मेरी शिफ्ट में, एंशियंट से नहीं था, और जो मिडाइवल है उससे अकबर जो मुगल कालीन है, तो उसमें आप वो देखिए वर्ड देख लीजिएगा, जैसे जुती हुई भूमि को क्या कहते थे, बंजर भूमि को क्या कहते थे, कोई अधिकारी हैं तो उनके राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे, वित्त मंत्र वो वित्त का कौन संभालता था राजस्व का, तो ये आप उसमें जो वर्ड होते हैं ना उसके पीछे दिया होता है साहित्य और उनका जो प्रशासन है, जो अब मुगल कालीन है तो उनका प्रशासन की जो शब्दावली होती है वो आप याद कर लेना। इसमें पूछा गया था कि जो बंजर भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, एक्चुअली आई डेंट नो दैट, सो मैंने आंसर नहीं किया। जब नहीं आता है तो आपको स्किप करना है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग आपका ले जाती है आंसर पूरा। अब देखिए एक क्वेश्चन ले जाती है, अब दूसरा था साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था कि किस समय एक चित्रंजन दास थे या उसमें दिया हुआ था कि इनकी मृत्यु हो गई थी इनके समय, तो किसकी हुई थी, साइमन कमीशन के समय ये पूछा गया था। गांधी जी का ये सबसे इजी क्वेश्चन जो आज की शिफ्ट का था यही था कि गांधी जी का नारा क्या था, करो और मरो, ठीक है, एक नारा था ये, करो या मरो किसका नारा था, तो ये गांधी जी का नारा था। तो आप क्या करिए, गांधी नारा पढ़ के जाइए, और जो मुगल सल्तनत मैंने कही है, और ये केंद्र के जो पार्ट्स हैं जो इसमें मतलब केंद्र के कह रही हूँ मैं, वो जो पॉलिटी के पार्ट्स होते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, और पद्म पुरस्कार। और आगामी खेल से पूछा गया, पैरा बैडमिंटन 2023 कहाँ होगा ये पूछा गया था, योजना एक मतलब उससे स्टेटमेंट से रिलेटेड आता है कि इसमें कितनी राशि दी जाएगी युवाओं को, तो इस तरीके से योजना से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, दो तो आप मान के चलिए। और डिजीज से एक क्वेश्चन था, वो भी स्टेटमेंट रिलेटेड था, 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे, ये जो क्वासी और कर है ये वसा की कमी से होता है, और दूसरा दिया हुआ था
कि इसकी कमी से नाटे रह जाते हैं लोग, यानी उनकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती, लेंथ नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल रहा रिव्यू, मैंने अपने बताया कि मैंने कितने टाइम के। अब क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज है वो है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स के कोई क्वेश्चन नहीं बताता, जीके के आप एनालिसिस देख लेंगे बट मैथ्स का नहीं मिलता, एज इट इज जो डेटा वहाँ पे आया है एक्चुअली पूछा क्या गया होता है, और फिर क्योंकि यहाँ तक आते आते किसी को याद नहीं रहता, तो जो क्वेश्चन मुझे याद है मैंने लिख लिए थे और अभी आई हूँ बस ये आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं सारे मैथ्स के क्वेश्चन आपको अभी बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ, आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप इस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन कर सकते थे, तो आपको पता लग जाएगा कि इजी है, हमें आ रहा है नहीं, तो थोड़ी जो आपकी नर्वसनेस है वो कम होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो प्लीज़ मेरे साथ आप पेन और पेपर जरूर लेके बैठिए और उसके सोल्व करना शुरू कीजिए। तो देखिए जो ट्रिगो से दो क्वेश्चन थे वो ये है, आइडेंटिटी जो है ये ऑप्शन बिल्कुल हूबहू ऑप्शन है, देखिए ये जो था एग्जैक्ट यही ऑप्शन था इसमें। तो पहला जो क्वेश्चन है ट्रिगो से था ये देखिए, sec theta plus tan theta हमें गिवन था और हमें cos theta निकालना था, तो कैसे निकालेंगे इसको देखिए, एक बार वीडियो को पॉज करके उसे ट्राई कीजिए फिर इसको देखिए। यहाँ देखिए हमें पता होता है कि जो आइडेंटिटी होती है वो होती है हमारी sec square theta minus tan square theta equal to 1 होती है। तो हम क्या लिखते हैं इसे, ये इसको a मान लीजिए इसको b, तो a square minus b square बराबर होता है a plus b और a minus b, ठीक है, वहाँ से इसको रिलेट करते हैं। तो जो जब हम माइनस में लेते हैं तो ये इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि अगर अब यहाँ सॉल्यूशन कर रही हूँ मैं इसका, sec थीटा माइनस tan थीटा लूँ तो ये 1/3 हो जाएगा। अब मुझे cos निकालना है इसलिए मुझे tan से कोई मतलब नहीं होगा, sec का उल्टा ही cos होता है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी कि 2 sec थीटा इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 10/3 हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम गया और क्योंकि cos sec का उल्टा होता है तो आप 3/5 इसका आंसर आराम से दे सकते थे, तो इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट जो था वो हमारा आइडेंटिटी से था, ये अलग क्वेश्चन है ये इतना ही, तो आपको क्या करना है फॉर्मूले पढ़ के जाने हैं, फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से बताइए कौन सा फॉर्मूला सही है नहीं है, यहाँ पलट पलट के देगा इसको, जैसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइंस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो इसने कोस की टर्म में पूछ लिया, जैसे 1 माइनस साइंस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, क्या ये गलत है, ये तो सही है हमारा। और यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1, अब हम जल्दबाजी में क्या करते हैं क्योंकि सेक के साथ हम सोचते हैं कि टेन आता है, बट ये गलत है, क्यों, क्योंकि हम कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं टेन थीटा को, आपने क्वाड्रेंट में पढ़ा होगा, जब अगर आपने नहीं पढ़ा ना ट्रिगो तो मैंने आप मेरे चैनल पे जाइए, मैंने एक मेंस की सीरीज कराई है पिछले सीजन मेंस की, उसमें मैंने ट्रिगो की एक वीडियो कराई, शॉर्ट वीडियो है लेकिन क्वेश्चन के थ्रू मैंने बहुत सारे उसमें फॉर्मूला रिविजन करवाए हैं, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो मैं लिंक उसका डलवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए ये वाला भी सही है, ये क्योंकि इसे हम टेन लिख सकते हैं ना टेन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला भी सही है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, उसने नॉट करेक्ट पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। यहाँ देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर बिल्कुल सही है, क्योंकि इधर जाएगा माइनस होगा, ये तो आइडेंटिटी पढ़ते हैं हम। और ये वाला देखिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी इन दिस, बिकॉज ये देखिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा कोस टू थीटा होता है, ऐसे तीन फॉर्मूले होता है कोस टू थीटा के, एक तो होता है साइन के फॉर्म में, कोस के फॉर्म में, एक साइन कोस दोनों के फॉर्म में, और तो ये जो इसका ये ऑप्शन जो था ये सही है। अब देखिए बाकी सब हमारे सही हैं, एक आइडेंटिटी गलत है, इसलिए यही हमारा ऑप्शन होगा क्योंकि उसने पूछा है कि कौन सा गलत है, तो हमने बता दिया। ज्योमेट्री से दो क्वेश्चन थे ये इस तरीके से आपको दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि अगर ये 52 है तो ये क्या होगा, और इसमें ये इसके सर्वांगसम है, तो यहाँ देखिए इसको वैसे भी कर सकते हैं आप क्योंकि एक अंतर है, तो ये एक्स जो होगा वही होगा सेम 52 जो यहाँ है वही यहाँ होगा, और ये ऑप्शन में भी था, मतलब ज्योमेट्री तो ईजी आ रही है। देखिए ज्योमेट्री से दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास दो हमारे पास सीकेंट है, एक तो है पी ए और एक है पी डी, ये कैसे जा रही है सी से होते हुए जा रही है और ये बी से, और हमें ये बताना है कि जो ए बी है यानी जो ये व्यास है इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा। तो अब कैसे निकालेंगे, यहाँ हमें दो बैलेंस इसमें दो बैलेंस इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, कैसे, क्योंकि पी टी जो है वो पी ए पी बी के साथ भी आ सकता है और इसके साथ भी आ सकता है, ये क्या है हमारी, ये है टेंजेंट, गिवन थी टेंजेंट, और आप जानते हैं कि हम इसको कैसे लिखते हैं पी टी स्क्वायर इक्वल टू, अभी आप सोचें कि हमारे पास अगर ये नहीं है तो हम क्या करते पी सी इंटू पी डी करते, ठीक है पी सी इंटू पी डी। अब देखिए कि पी टी स्क्वायर पी टी हमारे पास क्या है, ये हमें नहीं दिया है,
और पी सी हमारे पास कितना है, 10 है, और पी से जब बी तक जाएंगे तो 18 हो जाएगा, यानी ये कितना आ गया 180। और पी टी स्क्वायर ही हमारा, अगर हम इसको छिपा ले तो ये वाला जो सीकेंट है छेदक रेखा है इसके भी इक्वल होगा, यानी पी बी इंटू पी ए के बराबर होगा, पी बी इंटू पी ए के बराबर होगा। और पी ए हमारे, ये जो पी बी है हमारे पास क्या है, 8 है, ये पी बी हमारे पास 8 है इंटू पी ए इक्वल टू 180। और ये कितना हो जाएगा, पी ए कितना आ गया हमारे पास 22.5, यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ए पी जो है वो 22.5 है, ऐसे लिख देती हूँ मैं, और ये 8 है, ठीक है। अगर हम इतने में से इतना निकाल दें तो हमें ए भी मिल जाएगा, 8 निकाल दीजिए कितना आ जाएगा, 14.5 इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अलजेब्रा से तीन क्वेश्चन सिर्फ में देखने को मिले थे, एक तो था ये तो सदाबहार है, ये मैंने देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ से करना है एक बार प्लीज चैनल पर विजिट कीजिए, मैंने कोई ना कोई वीडियो जरूर बनाई हुई है हर टॉपिक पे। तो ये जो है ना, ये अलजेब्रा के फॉर्मूले बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको रटवाया है, और वो एक वीडियो है वो मैंने अभी बनाई, सीजीएल के एग्जाम से पहले ही बनाई थी, तो आप उसको एक बार देख लेंगे, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस उसको एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, तो चेकआउट जरूर करना। अब देखिए इसमें किस तरीके से कर सकते थे इसको, मैंने बताया हुआ है कि इसका फॉर्मूला होता है तीन, लेकिन उनमें से यहाँ कौन सा लगेगा, यहाँ लगेगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब हमें जो गिवन हो उसके बेस पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ इसको पुट कीजिए, यहाँ देखिए ये हमें क्योंकि निकालना है ये इसके इक्वल, अब ए प्लस बी प्लस सी क्या है हमारे पास 12 है, और इसका स्क्वायर 144 माइनस 3 इंटू 47 जो हमें गिवन है, और जब आप इसको सोल्व करेंगे ये 144 आ रहा है, ये 141 आ रहा है, और ये 12 है, और ये आ जाएगा हमारा 36। अब कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है, आपको जब लगता है ना कि इजी क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी जल्दी कीजिए, बाकी का टाइम हम वहाँ देंगे ना जो हमें नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के अपना क्वेश्चन को करिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 है, एक्स वाई हमारा 19 दिया है, हमें ये निकालना है। ये आप कैसे निकालेंगे, ये तो आप जानते हैं कैसे, ये हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई का 7 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर 49, और ये हमें निकालना ही है, और ये हम माइनस कर देंगे 2xy, यानी 2 इंटू 19, तो आप जब इसको ये आ जाएगा 38, तो ये 11 आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ये सारा फॉर्मूले बेस है जो कि मैंने करवा दिया है। ये एक क्वेश्चन था, थोड़ा एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ इसमें बी माइनस 3 कॉमन आ रहा था, और फिर हम उसको दूसरे के साथ कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर सकते थे, दो टर्म में इसका आंसर आ रहा था, ईजी था, तो आप कर सकते थे। एवरेज से एक क्वेश्चन आया ओनली, वो कौन सा था कि एक तो था ये 5 गर्ल्स वाला, और बाकी DIE में एवरेज दिया हुआ था, 5 गर्ल वाला कौन सा था, इसमें वेट दिया हुआ था उन सब का, और बताना था कि बताइए इनकी जो होगा एवरेज वो क्या होगा, बहुत सिंपल था, आप कर सकते थे, ये 10 से 12 सेकेंड में हो जाता ओनली। ये डेटा भी ज़्यादा टिपिकल नहीं था, 29, 30 और 23 कुछ इस तरीके से डेटा था। आई वे का मैं कह रही थी, अभी मैंने पीछे उस पर चार्ट बताया कि एक क्वेश्चन आया था वो कैसे, अब आपको इसको बिल्कुल इजी तरीके से करना है, आपके अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये ट्रिक अपनानी है जो मैं बता रही हूँ। यहाँ देखिए आपको इसे पहले रेशियो में तोड़ लेना है, आय कितना है इसकी, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति की आय 12,000 है और खर्च कितना कर लेता है 8,000, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, व्यय में 8% की, तो हमें बताना है कि बचत में कितनी वृद्धि होगी। अब आप इसका रेशियो बनाइए, 12 है और 8 है, तो ये 4 से कर सकते हैं हम इससे, तो 4 से 3 बार 2 बार, यानी 3 में से अगर 2 खर्च कर रहा है तो 1 बचा रहा है, ये बचत है इसकी। अब इसके नीचे तो आप डायरेक्ट वृद्धि लिखिए उसकी 10%, और इसके नीचे 8 और इसके नीचे x, तो आप इसको गुणा कीजिए 30, इसको गुणा कीजिए 16, और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, और यहाँ जो रेशियो होगा उससे डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा हमारा 14 क्योंकि एक ही रेशियो है, तो हम यहाँ पर 14% आंसर रख लेंगे। तो ये आईवीएस से क्वेश्चन था, अब ये और क्वेश्चन दिखाती हूँ। डिस्काउंट से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था कि 5% की एक छूट दी जाती है, एक 10% की दी जाती है, और एक पी प्रतिशत की, ओवरऑल 31.6 है, तो आपको बताना है कि इस पी की वैल्यू क्या है। इसका निकालने का बहुत ईजी तरीका है, सोर्स में भी कई बार मैंने आपको बताया है कि देखिए जो इसको है वो आप रेशो में चेंज कर लीजिए, 1/20 होता है और ये 1/10 होता है, तो 20 पे 1 की छूट 20 से 19, और ये 10 से 9 में, इसको हम x से y मान लेते हैं जिसको हमें निकालना है,
और ओवरऑल हमारी आ रही है ये, क्यों? क्योंकि ये है, आपको ये करके बताती हूँ मैं, अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो 1-0 डबल और नीचे आ जाएगी। तो मैंने क्या किया है, इस पे इतने की छूट दिया तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इससे आप इसको 5 टाइम्स, 2-0 से 2-0 कट, और ये 2 से 5 बढ़ गया, और ये 19 × 9 171 होता है, और इससे ये जाएगा 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, 5 से 4, यानी एक्स से वाई की जो वैल्यू आएगी वो 5 से 4 हो गई है। ये 1 की इस पे डिस्काउंट दिया है 5 पे, तो कितना आ जाएगा, 20%। यही इसका आंसर था और ऑप्शन में भी था। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लाती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का था। सिंपल इंटरेस्ट से ओनली एक ही क्वेश्चन आया था। जनरली क्या होता है, इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट से मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था, और ट्रेन जो होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस, वो थोड़ा सा लेवल ठीक था उसका। देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था ये था कि 3 साल में इतनी हो जाती है राशि, तो हम क्या करेंगे, 3 साल में 64,000 रुपये अगर इतने हो जाते हैं तो 3 साल में कितना ब्याज आया इन पर, वो देखेंगे। तो 3 साल में 19200 का इस पर आया है हमारा इंटरेस्ट आया है, तो एक का कितना होगा, एक का हो जाएगा 6400, 3 से कट गया। अब हमारे किस पे आ रहा है ये, इस पे, तो ये 1 साल का ब्याज मूलधन पर, वही दर होती है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 10% आ गई। अब इसी रेट से हमें 72,000 रुपये पर 5 साल का निकालना है कि अमाउंट क्या होगा। क्या पूछा गया था, अमाउंट पूछा गया था। तो देखिए हम क्या करते हैं, 5 × 10 कितना हो गया, 50, और क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है तो 100 में ऐड कर देते हैं, तो 100 + 50 कितना हो गया, 150%। तो हम क्या करेंगे, 72,000 का 150% निकालेंगे, और यही इसका आंसर था, ऑप्शन में भी था। इतने क्लोज ऑप्शन नहीं थे, आप कर भी सकते थे। अब देखिए डीआई से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, तो आप प्लीज़ ये जो टिप है ध्यान से सुनिएगा, कि जो डीआई के क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे एक बार में, और तो आप उसे करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा फिर मैं करूँगा, तो उसे आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप राउंड वाइज में आपको उसको कर लेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन का टाइम ले जाएगा। इसीलिए तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, अगर आपको लगता है कि कैलकुलेटिव है थोड़ा, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करिए और आगे बढ़िए। यहाँ डीआई कैसी थी, 2 थी, एक करने लायक थी, एक बहुत ईजी थी। देखिए ऐसे हमें कुछ वो दिए हुए थे, उत्पादन कपास का, खादी का, तो इस तरीके से हमारा फसल का उत्पादन दर्शाया गया था, उसमें हमें कपास और खादी दोनों का अंतर बताना था, ये तो हुई ईजी वाली। और एक था हमारी, जब हमें वो बता देता है ना कि परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा और उसका फिर एवरेज निकालो और फिर 2 में और फिर उसको डिफरेंस, तो मैं आपको बताती हूँ क्या था। यहाँ देखिए इस तरीके से डीआई दी हुई थी, ये इस तरीके से ऐसे 3-4 कॉलम थे, ये देखिए बस 2-2 का था, ठीक है। अब एक तो कुछ चावल या चीनी था, इस तरीके से था, तो हमें बताना था कि इनकी यहाँ से कुछ वृद्धि हुई होगी 2018 से 2019 में, 19 से 20 में वृद्धि हुई है वो निकालो, 20 से 21 ऐसी 4 रेट हमें निकालनी है किसी एक प्रोडक्ट के लिए इसमें से, फिर उनका औसत निकालना है। ऐसे ही फिर हमें इसके लिए करना है जो इन्होंने दूसरा प्रोडक्ट दिया है, फिर उसका अंतर निकालना है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि ये टाइम टेकिंग है, अगर आप इसको करेंगे तो ये 2 क्वेश्चन का आपका टाइम ले जाएगा, इसलिए आप इसको बाद में कीजिए, मार्क फॉर रिव्यू कर देना। तो डीआई आप स्टक नहीं होना है, आपको आगे चलना है। वर्क एंड टाइम से 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे, आप कर सकते थे बहुत अच्छे तरीके से इसको। देखिए ए और बी 20 दिन में करते हैं, बी 30 दिन में करता है, तो बताइए ए कितने दिन में करेगा, अकेले काम करेगा, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 60 आएगा, ये 20 से 3 टाइम्स जा रहा है, ये 2 टाइम्स, यानी कि इसमें एक एफिशिएंसी फालतू है जो कि ए की है, तो हम 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 60 इसका आंसर आ जाएगा। होप सो कि आपको आता भी होगा ये। और देखिए अब एक क्वेश्चन तो बहुत इजी था, सबसे इजियर क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, कि ए जो है वो 3/5 भाग जो है 12 दिन में करता है एक काम का, और उसी काम का 3/4 हमें ए से करवाना है, तो हम कैसे करेंगे, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि हम डायरेक्टली काट लेते हैं इसे, ये 4 टाइम्स जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो ए है वो टोटल काम जो है वो 20 है, उसको हमें कितना करवाना है, 20 से 20 का 3/4, तो ये 15 ही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप कर लेंगे। अब यहाँ देखिए ये जो है थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगता है, आपको ये समझना है कि हमें क्वेश्चन को एक ही बार में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ये ना हो कि हमने क्वेश्चन पढ़ा कुछ समझ में ही नहीं आया तो हमें दोबारा पढ़ना पड़ता है, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो वो टाइम इतना हमारे पास है नहीं कि हम खोटी करें, हम वेस्ट करें, तो इसलिए प्लीज़ एक बार में अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। इसमें बताया गया था कि जो ए है वो बी का 3.5 गुना काम करता है, तो हम इसको 7/2 लिख सकते हैं। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं,
ठीक है 7/2, तो मैंने इसको लिख दिया। ये क्या है, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई है। जब ए अलग काम करता है बी अलग, तो ये 45 घंटे कम लेता है, और ए और बी एक साथ कितने घंटे लेंगे, तो लैंग्वेज तो आप मैनेज कर सकते हैं, मैं वैसे बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ हमें 45 घंटे का डिफरेंस दे दिया, तो हमें 5 की जो डिफरेंस है 5 का, वो 45 के बराबर कर देंगे हम, यानी कि 9 आ रहा है। एक तो काम करेगा हमारा 18 दिन में और एक करेगा 63 दिन में, तो हमें क्या करवाना है, दोनों से एक साथ काम करवाना है। अब यहाँ देखिए एक की जो एफिशिएंसी है, एक की वो 7 है, वैसे ये काम 18 कर रहा है, तो जब हम एफिशिएंसी को उसके समय से गुणा कर देते हैं तो वो टोटल वर्क निकल के आ जाता है। और फिर अगर हमें निकालना है कि किससे करवा रहे हैं हम, दोनों से करवा रहे हैं, 7 और 2 9 से करवाना है हमें दोनों से, तो ये 9 गुणा 2, 2 से मैंने इसको काट दिया, 9 से मतलब 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा 14, यानी जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये 14 में करेंगे। क्या करना है आपको, जो डिफरेंस था वो मैंने डिफरेंस इसके डिफरेंस के बराबर कर दिया, और यहाँ से हमने इनकी टाइमिंग निकाली और उससे हमने सोल्व कर लिया। तो ये जो वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन थे वो ईजी थे। प्रॉफिट लॉस से ये क्वेश्चन था कि अगर ए है और वो एक वस्तु को बी को देता है 25% के लाभ पर, बी जो है वो सी को एक्स प्रतिशत के लाभ पर देता है, और ए सी से 30% ज़्यादा, यानी हमें ये नहीं बताया कि बी ने सी को जो बेचा है तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, अंतर ही प्रॉफिट कमा लिया से बताए नहीं, तो ये हमें जो मिसिंग है ये बताना है। जबकि ये गिवन था कि जो ए है सी का जो मतलब क्रय मूल्य है वो 30% ज़्यादा है ए से, वो कैसे करेंगे इसको, देखिए बहुत ईजी तरीका है ये, हम क्योंकि 1/4 होता है और एक का प्रॉफिट है तो 5, यानी अगर ए ने 4 में खरीदा था तो बी ने 5 में, अब ए से 30% ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 5.2 किसका, सी का हो जाएगा, और बी का अगर प्रॉफिट निकालना तो कितना 0.2 ज़्यादा है 5 से, और हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 की, तो ये कितना आ जाएगा 220/5, ये आ जाएगा हमारा 4, तो ये एग्जैक्ट आंसर था। और इसके जो आंसर थे वो पॉइंट में दिए हुए थे, 4.4 जैसे 4.4 है, और फ्रैक्शन में भी दिया होता, लेकिन जो हमारा एग्जैक्ट आंसर था वो 4% था। यहाँ देखिए इसमें एक ये वाला क्वेश्चन था, ये क्योंकि उसमें आता है हमारा टेंजेंट्स में आता है कि ये जो है इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके, जब एक जो हमारा सर्कल है वो किसी त्रिभुज के अंदर होता है, तो हम इसी उससे सॉल्व करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई, एक्स अगर ये एक्स है ये भी एक्स, ये वाई ये भी वाई, ये जेड ये भी जेड। देखिए इसका एग्जैक्ट डेटा मेरे को याद नहीं है, 24 क्वेश्चन लगभग मैंने याद करके रखे, लेकिन ये मुझे डेटा मिस हो गया थोड़ा। तो ये आपको देखिए इसमें, इससे आपको परिमाप निकाल देना, इसकी हमें वो दी हुई थी डायमेंशंस, तो आप हम इससे इसी तरीके से कर सकते थे। कैसे, यहाँ देखिए 2x प्लस 2y और प्लस 2z, 2z यानी ये दो दो हो गए ना ऐसे, और हमें जो भुजाएं दी हुई हैं उनका परिमाप इसके बराबर कर देंगे, मतलब इनको जोड़ के इसका बराबर कर देंगे, तो ये बहुत ईजी तरीके से निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें निकालना क्या था, हमें पी डी क्यू डी या पी डी इनमें से कोई एक भुजा निकालने थे। एक मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन था कि घन के आयतन का 2 गुना घनाभ का आयतन के बराबर है, तो हम इस तरीके से देखते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है और इसका LBH, और इसके जो डायमेंशन थे वो ये थे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 से 4 बार, तो इसका जो आएगा हमारा क्यूब रूट, तो वो a बराबर आ रहा है कितना 8, और जब हम इसका इसमें हमें निकालना था कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वो हम निकालते हैं 6a² से, तो हो जाएगा 6 × 8 × 8, और ये आएगा 384। एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब आपको बताती हूँ मैं जो टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन थे वो कैसे थे। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस से जो एग्जैक्ट डेटा मेरे को याद नहीं है, लेकिन आपको टाइप्स बता देती हूँ कैसे थे। जैसे एक कोई दूरी है ए तय कर रहा है, और बी जो तय कर रहा है वो ए का 60% ज़्यादा है, ऐसे ही सी करेगा तो बी का 50% ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, तो हमें उनकी स्पीड निकाल के फिर उनका एवरेज निकालना था। तो ओवरऑल इससे क्या पता लगता है कि आपको एवरेज स्पीड पे की प्रैक्टिस करके जाने, इस पे कमांड बनाने हैं, और अगर आप तीनों की स्पीड उनकी निकाल लेते हैं तो फिर आप LCM जैसे वर्क एंड टाइम से हम निकालते हैं उससे आप निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। ये एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था, एक टाइम का था कि टोटल टाइम कितना लगा, बोट एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं था, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस से ही 3 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए थे। एक तो बिल्कुल ईजी था, उसमें क्या था कि हमारे जो मीटर पर सेकेंड में मतलब मिनट में टाइम दिया हुआ था 45, और ये 3600 हमें मीटर की दूरी तय करनी है, तो बताओ इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, क्या करेंगे हम, पहले तो उसको सेकेंड में बदलिए मिनट को, और अब हम इसको क्योंकि किलोमीटर में बदल रहे हैं तो 18/5 से गुणा कर देंगे। ये देखिए 9 × 18 9 = 45,
छः से ये 6 टाइम जाएगा, ये 5 से 12 बार, और ये 5 से कितना बार जाएगा, 2.4, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 समथिंग के आएगा। ठीक है, तो आप बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो 25 में से लगभग आप 21 से 22 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, अगर आपने अर्थमेटिक के भी टॉपिक्स पढ़े हैं और थोड़ा बहुत फॉर्मूला रिविजन किया। तो अगर आपको प्रॉब्लम है कहीं भी कि फॉर्मूला नहीं याद हो रहे हैं, तो आप मेरी इस चैनल को स्टार टीचर टीम को विजिट कीजिए। वहाँ मैंने ऐसी छोटी छोटी वीडियो बनाई हुई है जिससे शॉर्ट टाइम में आपका बहुत सारा कंटेंट कवर हो सकता है, तो आप इस चैनल को विजिट कीजिए। और ये क्या आप अभी तक बैठे हैं, लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, और शेयर कीजिए, क्योंकि अभी तक मैं बस आई हूँ एग्जाम से और आपके लिए वीडियो मैंने अभी बनाई है ताकि आपकी हेल्प हो सके। ये था मेरा ओवरऑल एग्जाम का रिव्यू, आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके कि आगे आने वाले शिफ्ट में कैसा एग्जाम आ रहा है और हमें कैसे इसको टैकल करना है। अब मैं आप दो तीन टिप्स आपको बता देती हूँ। रीजनिंग में तो आप कर लेंगे, और रीजनिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि थोड़ी सी टाइम टेकिंग रीजनिंग है, थोड़े लॉजिक लगाने पड़ते हैं। और जब मैथ्स में आप करते हैं तो स्किपिंग पे खेलिएगा, यानी कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लगता है कि कैलकुलेटिव है बट मैं कर लूँगा, लेकिन उस आप नहीं कर पा रहे उस टाइम पे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 13 में 6 जोड़ रहे होते हैं और हम उसे 19 लिख रहे, 19 ना लिख के 18 लिख रहे होते हैं, ऐसे 5 में 3 जोड़ के 9, कुछ इस तरीके से, क्यों, हमारे अंदर एंजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है। और जब हम दोबारा उस क्वेश्चन पे आते हैं तो बहुत उसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। ये जो प्रॉब्लम हमारे साथ होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमें एंजाइटी हो रही होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका बस एक ही इलाज है कि आपको अगर जो स्किपिंग कीजिए आप, अगर आपको उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, आप अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाइए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। अगर एक के चक्कर में रहें तो हमारे 3-4 क्वेश्चन का टाइम चला जाता है और फिर हमें बहुत ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा आ रहा होता है कि क्यों नहीं हुआ क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से आप अपना पेपर अटैम्प्ट कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपने कैसे क्वेश्चंस किए। और अगर आप ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस पाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, स्टार टीचर टीम को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर टीम। तो एक काम करना, उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।